अस्सलाम वालेकुम माय यूटिव फैमिली कैसे हैं जी सब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं जी तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं या यह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ कुछ जो है ये मोरक्कन रेसिपी है मोरक्कन डिश है वो मैंने साथ रखी हुई है आप देख रहे हैं डब्बा पड़ा हुआ है तो आज मैं बनाने लगी हूँ बेसिकली आज मेरा सत्ताईस रजब का रोज़ा है और मैं उसकी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ी सी आपको जैसे कि मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया हुआ है कि मैं वेजिटेरियन हूँ मुझे चिकन बीफ मीट इतना ख़ास इतना मतलब लाइक मुझे मैं नहीं खाती तो खास क्या खाती ही नहीं हो बस थोड़ा बहुत कभी ले लिया क्योंकि बच्चों के लिए तो माशाल्लाह बनाना पड़ता है उनके लिए तो अलग से उनका खाना होता है जाहरी बात है तो ये मैं अपनी इफ़्तारी की तैयारी कर रही थी तो मैं अपने अकॉर्डिंग ही कर रही थी ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कुछ कुछ थोड़ी सी क्योंकि वो कश्यप भी खा लेती है बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते कि ये सारी वो चीज़ें हैं जो कश्यप और मैं दोनों खा सकते हैं तो यहाँ पर मैं बना रही थी सबसे पहले मैंने प्याज डाले थे उसके बाद मैंने लहसन डाला था उसके बाद थोड़ा सा मैंने बिल्कुल ऑयल डाला था उसके बाद वही रेगुलर मसाले थोड़े से इसके अंदर डालूंगी और मैं बनाऊंगी वेजिटेबल के साथ वैसे तो ये मोरक्कन डिश है इसमें वो बहुत बड़े बड़े पीसीज जो होते हैं ना गोश्त के डालते हैं क्योंकि मैं हम इटली से जैसे कि मैंने पहले भी कितनी दफ़ा जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो जानते हैं कि इटली से हम यहाँ पे यूके में मूव हुए थे अब हम यूके में रहते हैं तो वहाँ पे मेरी मोरक्कन जो फ्रेंड्स थी वो अक्सर हमें भेजती रहती थी कुछ कुछ बना के लेकिन उनके बड़े बड़े जो होते हैं ना पीसीस गोश्त के वो डाल के और सब, अगर वेजिटेबल भी डालते हैं तो जैसे गाजर है उसके बड़े बड़े पीस दो पीस कार्ली और वो इस तरह और वो स्टीम में बनाते हैं ज़्यादातर तो उसके लिए एक स्पेशल बर्तन होता है जिसमें स्टीम करके ये जो है ना बनाई जाती है तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता इसलिए मैं स्पेशल वो बर्तन और वो सारा नहीं कर सकती लेकिन इसको हम इजी वे में अपने तरीके से बनाएंगे आपने देखा कि मैंने इसमें सब्जियां ऐड की हैं क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ ही पसंद हैं तो मैंने सब्जियों के साथ बना रही हूँ लेकिन इसकी ये ट्रिक होती है इसको बनाने की कि आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करते क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करते हैं तो वो बिल्कुल ही लाइक इस तरह बन जाती है कि जैसे कि हलवा होता है लेकिन वैसे अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो ये ऐसे बनती है जैसे हम चावल का जो टोटा होता है जिसको हम बोलते हैं उस तरह अलग अलग से ये देखें कितनी नाइस माशाला से बन गई है तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कि किस किस ने रजब का रोज़ा रखा था सत्ताईसवीं रजब का तो जैसे कि हज़ू पाक सल्ला वसल्लम ने फरमाया है कि इस रोज़े की बड़ी अहमियत है और आपने ये फरमाया है कि इस पूरे महीने में ये पूरा महीना ये दिन और रात जो हैं बहुत ही यानी कि अच्छे हैं और यानी कि हमारे लिए रहमतों और बरक़तों वाले हैं लेकिन एक शब ऐसी है जिसमें शब माज हुई थी तो आप के बारे में ये सारा बताया गया इसमें तो सुबहान अल्लाह तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग भी वैसे तो ये सारा महीना बहुत से लोग रखते भी हैं पूरा महीना भी बाद लोग शायद रोज़े रखते हों लेकिन अगर इस महीने में रोज़े रखने बहुत यानी कि आपके सौ साल के जो गुनाहें सतईसवें रजब की जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके सौ साल के जो गुनाह हैं आप सल्ला वसलम ने फरमाया है कि वो आपके माफ़ हो जाते हैं तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं साथ साथ मैं आपको ये बता रही हूँ तो इतनी देर में मेरी जो है ना चना चाट भी बन गई आप देख रहे हैं मैंने साथ ही आज चना चाट बनानी थी वो सारी आपने रेसिपी साथ साथ देख ली है तो ये सभी को बनानी आती है लेकिन मैं जिस तरह बना रही थी उस तरह मैं आपको बता रही थी इसमें मैं ज़्यादा योगट नहीं डालूंगी बिल्कुल थोड़ी डालूंगी क्योंकि वही बात है कि अब अब मैंने अपनी तरफ से इतनी कम चीज़ें बनाई थी इसके बावजूद आपको पता है कि रोज़ा खोलने के बाद इतना दिल नहीं करता मेरा तो इतना ज़्यादा दिल नहीं करता घंटे के बाद शायद मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ वरना रोज़ा खोलने के बाद मेरा कुछ भी खाने को इतना खास दिल नहीं करता तो ये देख ले यहाँ पर हमारी चार्ट भी तैयार हो गई थी तो आप लोग ऐसे करें काइंडली जल्दी से जो लोग भी मेरा वीडियो जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे बहन भाई जो भी हैं तो आप लोग प्लीज़ वीडियो भी देखा करें और काइंडली जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें मेरे चैनल को वीडियो को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में अपनी फैमिली में और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप लोगों को देखने को मिले और आपको फ़ौर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने कौन सी नई वीडियो लगाई है ये देखें इन बातों बातों में हमारी चार्ट भी तैयार हो गई है हमारी कुछ कुछ भी तैयार हो गई है तो यहाँ पर ये मैं बता रही थी कि ये वाले मैंने मंगवाए थे तेमू से ऑर्डर किए थे मैंने एक दफ़ा तेमू की मैंने पूरी वीडियो लगाई थी कि मैंने कौन कौन सी शॉपिंग की थी तेमू से तो ये भी मैंने मंगवाए थे इसको कवर करने के लिए लेकिन गर्म चीज़ों को नहीं कवर करना चाहिए इसके साथ लेकिन ये है कि जैसे मैंने अभी चाट बनाई है तो इसको हम कवर कर सकते हैं उसके साथ ये देखे मैंने कुछ कुछ भी अभी निकाल के आप लोगों को दिखाई कि कितनी अच्छी लाग रही है और इतने मज़े की होती है यकीन करें बहुत ही मज़े की होती है आप इसमें कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकती हैं गोश्त चिकन कुछ भी आप तो डालना आपकी अपनी है। क्योंकि मैं वेजिटेरियन तो मैंने अपने लिहाज से बनाऊंगी तो ये, ये अनियन के रिंग के बनाऊंगी सबस मिर्चे लिए है इनके दो दो पीस ऐसे काट लूंगी लेकिन ही लंबी रहेंगी छोटी नहीं करूंगी और साथ जो है ना थोड़े से जो मैं ना इसके पालक के बनाऊंगी कुछ मैं पत्तों के साथ बनाऊंगी अपने लिए एक नई ही वेराइटी देने के लिए और कुछ बाकी जो है मैं कश्यप के लिए बनाऊंगी उसमें आलू भी डालूंगी और पालक ज़्यादा डालूंगी तो ये सारे मैं बनाऊंगी तो और जी साथ ही कल जो है आठ फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन डे है तो आप लोग प्लीज़ सब लोग ज़रूर चाहें अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और वैसे भी सब लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है तो हर कोई चाहता है कि हमारे मुल्क में खुशहाली आए और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में खुशहाली आए और अच्छा हुक्मरान जो है वो हमारे मुल्क में आए सिलेक्ट होके तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर वोट कास्ट करने जाए सब जाएँ तो अगर हम वोट वोट कास्ट नहीं करेंगे तो जाहरी बात है तो हम किस तरह अपने लीडर की हेल्प कर सकते हैं अपने लीडर की हेल्प करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग वोट कास्ट करें और मुझे ये भी पता है कि सबके दिल, दिल के धड़कनों में कौन चाहता है कि हमारा लीडर बने जो सच्चा पढ़ा लिखा और ऑनेस्ट लीडर है तो आप लोग ज़रूर वोट कास्ट करने जाएँ तो यहाँ पर देख लें ये साथ ही मैंने अपने साथ उसकी तैयारी कर रही हूँ उसके लिए मैं बैटर बनाऊँगी क्योंकि अंदर तो मैंने सारी चीज़ें नहीं डालनी ये नॉर्मल पकौड़े तो नहीं मैं बना रही ये मैं नए तरीके से दूसरे जो अलग अलग सारी चीज़ों के बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ तो ये देख लें माशाला से बैटर इतना अच्छा बना है कि ऐसे इस तरह नहीं उतर रहा कि सारा उन चीज़ों पर से उतर रहा है तो इतना अच्छी बाइंडिंग होगी उनके ऊपर सारा जो है ना बैटर जो है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर लग गया है सबसे पहले मैं बना रही हूँ मिर्चों के पकौड़े मिर्चों को मैंने दो दो यानी कि अंदर से काट लगा लिया ताकि वो अंदर तक ये ना हो कि अंदर से वो कच्ची अच्छी लगे अंदर से मैंने काट लगा लिया ये देख ले माशाल्लाह से छोटी वाली मिर्चें हालांकि ये बड़ी वाली मिर्चें नहीं है क्योंकि बड़ी वाली मेरे पास नहीं थी घर में मेरे पास जो अवेलेबल थी वही मैंने ले ली थी तो ये देखें कितनी नाइस और कितनी अच्छी जो है ना मिर्च मिर्चों के पकौड़े बने हैं और साथ ही अब मैं अनियन के पकौड़े बना लूँगी इसी तरह सारे जो है ना बारी बारी मैं ना ये पकौड़े बना लेंगे अनियन भी देख लें ज़्यादा मैंने मोटे नहीं रखे थे और थोड़े इसलिए बनाए थे कि मैंने जैसे कि बता रही हूँ कि बच्चे उस शामा से शाम तो बिल्कुल भी पकौड़े वगैरह बिल्कुल नहीं खाते समोसे फिर भी खा लेते हैं वो पकौड़े नहीं खाते वैसे तो वो खा लेते हैं समोसे जो हैं वो खा लेते हैं तो ये देखें कितने अच्छे और कितने खस्ता बन गए हैं ये मैं थोड़ी मकदार में इसलिए बना रही थी कि बिला वजह इतने ज़्यादा ज़ाया होते रहेंगे और ये मैंने बड़े बड़े पत्ते निकाल लिए थे उसके अंदर से ये मैं नई नए तरीके से नई वेरायटी की तरह से बनाने लगी थी ये मैंने एक दफ़ा एक वीडियो बहुत परसा पहले देखी थी तो वैसे ही आज मेरे देन में आया कि मैं उस तरह भी इतना थोड़े से जो है ना तीन चार अपने लिए सिर्फ पत्ते जो है ना वो बना लेती हूँ तो ये देखिए माशाला से इतने नाइस लगते हैं जैसे आपने कोई पेंटिंग की हुई है और जब आप इनको बराबर के पत्ते लेके मैंने तो वैसे ही बनाए हैं ना लाइक अगर आप सेम जो शेप में पत्ते होते हैं पालक के अगर आप उस तरह बनाएं और फिर अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हों तो एक ये नई वेरायटी होती है और बहुत अच्छा लगता है जब आप टेबल को लाइक सेट करते हैं और ये सारी चीज़ें इस तरह डिफरेंट तरीके की शेप की इस तरह की जब ये देखें कितने नाइस लगे हैं जैसे बड़ी आपने कोई पेंटिंग बनाई हुई है और कितने नाइस लग रहे हैं तो और इतने खस्ता थे ये नहीं कि आप वो जैसे कहते हैं कि मतलब वो बिल्कुल जैसे टूट रहे थे या उस तरह नहीं बिल्कुल अकड़े हुए और बड़े अच्छे बने हुए थे तो अब जी आ गया था लास्ट में मैं बनाने लगी थी फ़िश के और फिश की ट्रिक ये होती है कि आप फ़िश के जब डालते हैं उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें बाकी चीज़ों का तो हम फिर भी थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं लेकिन इनको ये होता है कि थोड़ी देर आप अच्छी तरह इसको छोड़ दें ताकि जो बैटर है ना इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो फिर आराम से ऊपर रह जाता है ये देखें माशाला से ज़रा भी नहीं उतरा था जिस तरह मैंने लगाया था उसी तरह सारी चीज़ों पर आपने देखा कि उसी तरह बैटर जो है ना उनके ऊपर लग गया तो फिश देख लें अंदर तक माशाला से कितनी अच्छी पक कर तैयार हो गई थी तो ये देख लें सारे पकौड़े जो थे वो बन गए थे माशाला ये देखें फिश कितनी अच्छी लग रही है और अंदर तक पक्की हुई है बिल्कुल ये देख लें कितनी नाइस है तो अभी लास्ट में वो वाले पकौड़े रह गए थे जो मैंने बनाने थे कश्यप लोगों के लिए उसमें थोड़े से मैंने आलू ऐड करने थे और पालक ज़्यादा ऐड करनी थी ये देखे पत्ते कितने नाइस और कितने मज़े के लग रहे हैं तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि कौन कौन जो है स्तर रजब का रोज़ा रखता है और फिर इबादत भी करता है तो हर एक ने जाहिर अपने लिहाज से करनी होती है इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं बहुत रोज़े रखती हूँ या मैं बहुत इबादत गुजार गुजारूँ वो कहते हैं ना कि अगर आप छोटी सी बात किसी को बताते हैं और उसको न, बंदे को दो चार लोगों को भी अगर आपसे मोटिवेशन मिलती है वो नमाज़ पढ़ते हैं या आपको देख के कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो वह आपके लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि आपकी नेकियों में भी इजाफा होता है जो बंदा उस काम को करना शुरू कर देता है वो तो जाहिर बात है वैसे ही एक बड़ा अच्छा काम करना शुरू कर देता है तो ये देख लें जहाँ पर ये मैं बनाने लगी थी अब कशफ के लिए पकौड़े इसमें मैंने ज़्यादा से आलू डाले थे और ज़्यादा बल्कि पालक ही था आलू मैंने एक ही डाला था और ये तीन चार पकोड़े मैंने उसके लिए बनाए थे क्योंकि यहाँ पर वो लॉन्ग साइड में से मंगवाती है किसी शॉप से ये वाले पकोड़े अक्सर तो वो इसी तरह बड़े बड़े मैं वैसे दूसरी तरह बनाती हूँ जैसे बाजार में मिलते हैं पाकिस्तान में तो लेकिन वो उसको इस तरह के पसंद हैं बड़े बड़े वो यहाँ से लेके आती है उन्होंने ऐसे ही बनाए हुए होते हैं आई थिंक तो वो उसको ये पसंद होते हैं तो मैंने इसलिए फिर उस लिहाज से बनाए थे तो ये जी माशाल्लाह से मेरी ये मेरी प्लेट मैंने डाली थी लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी सी चीज़ें हालांकि मैंने अपने लिए रोज़ा खोलने के लिए रखी थी क्योंकि मेरा ही रोज़ा था और तो किसी का भी रोज़ा नहीं था कि पूरी मैं टेबल सजाती लेकिन मैंने अपने लिए भी माशा माशा जैसे ये कहते हैं ना रमज़ान का रमज़ान का लफ्ज़ हमारे मुँह में आता है या रमज़ान को हम सोचते भी हैं तो हमारे हमें वही वाइब्स बिल्कुल आने लग जाती हैं रमज़ान की ये देखे मैंने अपने लिए पूरा जो है ना अच्छी तरह से उसको सजाया था देख लें मैंने कैंडल भी जलाई हुई थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था हालाँकि मैं अकेली खोल रही थी रोज़ा उस वक्त है। तो क्योंकि बच्चों का खाने का तो टाइम ही नहीं था अभी तो उन्होंने खाना भी नहीं था अभी उनका तो अलग से खाना था ये वाला तो उन्होंने कोई चीज़ भी नहीं इनमें से ना चाट खानी थी ना ही कुछ कुछ किसी को पसंद है ये कोई चीज़ भी उनको पसंद नहीं है तो फ्रूट वगैरह और समोसे वगैरह मैंने इसलिए रखे थे क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ फिर बहुत ज़्यादा हो जाता और बच्चे भी नहीं खाते फिर वेस्ट होता खाना इसलिए मैंने थोड़ा सा भी अपनी तरफ से तो बहुत थोड़ा बनाया था लेकिन यकीन करें सारे का सारा इसी तरह ही पड़ा हुआ था तो ये था मेरा आज का रोज़ा और ये थी मेरी आज की प्रप्रेशन बस मैंने जल्दी जल्दी में जो मैं मुझे अच्छा लगा जो मैं खुद खाती हूँ वैसे भी कहते हैं ना कि अल्लाह आप रोज़ा अल्लाह के लिए रखते हो तो जैसे अल्लाह ने कहा है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं इसकी जजा दूंगा तो आप रोज़े को ख़ुश करने के लिए रोज़ा जा मैं अपने आप को खुश इसलिए कर रही थी कि मेरा रोज़ा था और रोज़ा मैंने अल्लाह के लिए रखा था और अल्लाह को ख़ुश करने के लिए मैं वही चीज़ें खा रही थी जो मेरा रोज़ा खुश होकर के खा जी तो लास्ट में एक दफ़ा मैं फिर आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि आप लोग ज़रूर वोट कास्ट करने के लिए चाहें ताकि हम एक अच्छा अच्छा लीडर जो है ना वो चूज़ कर सकें जी तो मेरी आज की यही छोटी सी वीडियो थी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें ओके हाफिज़